हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गुलजर एंड यू गाइज वाचिंग गुल रिएक्ट। सो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। सो गाइज, भाईजान की एक और एटीट्यूड वीडियो लेकर आप लोग के लिए हाजिर हो गई, और आज की वीडियो भी बहुत ही शानदार और मजेदार होने वाली है। सो एंड तक जरूर देखिएगा, और बिना टाइम वेस्ट किए पहले चल के इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, उसके बाद बाकी की बातें बाद में करेंगे। 3, 2, 1, लेट्स गो। सो वैसे कर दी है मैंने वीडियो प्ले। आपको इन सब कॉप्स में से किसी कॉप का रोल प्ले करना हो तो किस कॉप का रोल प्ले करना चाहेंगे आप? मैं किसके साथ खड़ी हूँ? सलमान खान के साथ। ऑब्वियसली तुम्हें का नाम लेना पड़ेगा, वरना आई थिंक टाइगर जिंदा रहेगा, टाइगर्स मर जाएगी। गिनती ना कोई अगे हट के निके, रब ने ता ही कुछ लिखिया है लिखे, शक्लों शरीफ जानी ना तू कट नी। देखिए सर, जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको हंसी आती है सर, हंसते दो ना सर। तो आपको सर हमको पता है सर हम क्या है सर? आपको तो अभी आ रही है ना? हाँ सर, मुझे हंसी आती है, उन पे हंसी आती है जो मुझ पे हंसते हैं सर, जो मेरे साथ हंसते हैं सर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मुझ पे हंसते हैं मुझे उन पे हंसी आती है। इतने साल कितने साल काम कर लिया आपने? मैं 15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ मैडम, रोज एवरी डे, एक दिन की छुट्टी नहीं लेता मैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 17-18 साल का था कि मुझे समझ नहीं रहा था कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। एंड आई रिमेम्बर दैट कि जैसे परसों हुआ ये, आई अप्रिशिएट कि मुझे ऊपर वाले ने काम दिया है, मैं ये काम कर रहा हूँ। लोग भूल जाते हैं वो जर्नी, मुझे वो जर्नी 15 साल से लेके 19-20 साल तक की जर्नी मुझे अभी भी क्लियरली याद है कि काम मिलना चाहिए। वो ऐसा लगता है मुझे जैसे कि वो कल शाम की बात है। आप लोग सब भूल गए, हम आपकी जैसे इतने लकी नहीं है, मुझे डाइटिंग पे थोड़ा सा आई हैव टू कंट्रोल इट। जानती हूँ मैं किस जीता हूँ, चकली खाता हूँ चकली। मुझे खा जा। मैं ज्यादा चर्बी वाला गोश्त नहीं खाता। तो क्या आपको याद है कि आपने अपने पहली गर्लफ्रेंड को पप्पी कहाँ दी थी? हाँ, पहली गर्लफ्रेंड नहीं थी, फ्रेंड थी, उसके बाद गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन पप्पी यहाँ पर दी थी। आपका क्या बिग पिक्चर है? सर मेरा भी सिंपल ही है, सलमान जैसी बॉडी हो, सलमान जैसा स्वैग हो, और सलमान जैसा पनवेल में छोटा सा फार्म हाउस। देखो अगर ऐसा होता कि आप अपने आप को मुझे दे देते तो मैं शायद आपको बना के वापस लौटा सकता। हिंदुस्तान के अंदर एक किस्म का लोग बहुत हो गया है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आपको खुद अपने आप के लिए करना पड़ता है। जितने भी लोग हैं हु से दैट व्हाट हैव यू डन फॉर मी, आपने मेरे लिए क्या किया है, वो मेरे लूजर कैटेगरी में जाते हैं। नेवर नेवर से दैट। हमने सलमान खान को एक्टिंग करते देखा है, डांस करते हुए देखा, अब एक गाना भी होता है। आप मेरी बहना बहना मेरी बहना बहना तीन चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी एंड माय सेल्फ। सुना है कि अभी आप 20-25 साल कहते हैं कि आप और काम करेंगे इंशाल्लाह, और इससे जितना और ज्यादा काम करें। मैं तो वो काम करना चाहता हूँ कि मरने के सालों बाद तक भी वो काम चलता रहे। वो क्या काम होगा? वो काम ये है कि जो अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है वो चलता रहे, हम हैं हम ना हैं, यू नो हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, लेकिन ये चैरिटेबल ट्रस्ट चलना चाहिए। सुना है कि अभी आप 20-25 साल कहते हैं कि आप और काम करेंगे इंशाल्लाह, और इससे जितना और ज़्यादा काम करें। मैं तो वो काम करना चाहता हूँ कि मरने के सालों बाद तक भी वो काम चलता रहे। वो क्या काम होगा? वो काम ये है कि जो अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है वो चलता रहे, हम हैं हम ना हैं, यू नो हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, लेकिन ये चैरिटेबल ट्रस्ट चलना चाहिए।
भगवान मिले तो आप भगवान से एक कोई बार मांगेगी तो क्या मांगेगी? बस मुझे एक बार सलमान खान से मिलवा दो। कर दी लड़कियों वाली बात ना, सलमान खान से मिला दो। आप ये भी तो कह सकती थी कि भगवान मुझे हीरोइन बना दे ताकि मैं हीरोइन बनूं सलमान खान के साथ फिल्म में हीरोइन आऊं। Who would you say is the sexiest and most gorgeous man? Caught me on that one. Someone who is obviously selected amongst the list of Indian men, right? Internationally recently. Salman. Oof. Kya face hai. कोई बहन नहीं है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही है, तो है ही कौन बोली राइट में बैठी हुई उसके बाद दीपिका नहीं उनके बगल में जो बैठी ऑरेंज पहना है देखिए यहाँ से लाइटिंग कलर आ रही है देखा कि आप समझ लेंगे। सलमान भाई एक बार बताइए, फरजाना की बात कर रहा था। सलमान भाई एक बात बताइए, आप इतनी सुपरहिट फिल्में देते हैं, आप फिल्म में जो भी करते हैं चाहे वो डायलॉग हो चाहे आपका डांस हो, हर चीज सुपर डुपर हिट होती है, ये कैसे करते हैं आप? सर इनकॉम्पिटेंस बहुत सारी चीजें करा लेती है। मतलब मैं इस कंट्री में जितने इनकॉम्पिटेंट हो उतना आप चलो। जब मैं जवान था ना हर लड़की अपने तकिए के नीचे मेरी तस्वीर रख कर मैंने सुना है कल बड़ा हंगामा हो गया, खूब मार पिटाई की कॉलेज में। मारपिटाई नहीं भैया, मैंने उनकी टांगे तोड़ दी। But I do have a request though. Sure. My daughter has a serious blood disease. Pardon? My daughter has a serious blood disease. Uh-huh. She needs a bone marrow transplant. And I request everyone in the audience to please register up in the bone marrow registry. It's very easy. Just go to the Ulwal Hospital and they will help you ask for to register up for bone marrow, please. Sure. Done, and dear. May I? I am in because I've already tested my bone marrow. It's I don't know, but if it goes with hers, it's all yours. All my marrow is all hers. Thank you for everything. सलमान खान और जब ऐश्वर्या राय की बात आती है, मैं नाम ले रहा हूँ जी सर, तो परेशानी क्यों होती है फिर? किसको मतलब इतना क्यों इशू बन जाता है? सर मुझे तो नहीं मालूम सर, और हालांकि मैंने आज तक अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बात की नहीं और नहीं करूंगा, क्योंकि सर मैं अपने आप को जस्टिफाई करने जाऊंगा तो मैं किसी को नीचा दिखाऊंगा, वो मैं दिखाना नहीं चाहता सर। पिक्चर देखते समय कितने प्रतिशत भारतीय सीटी बजाते हैं? अगर सलमान खान की पिक्चर देख रहे हैं तो मुझे तो देख के बहुत बहुत मजा आया, स्पेशली जो सारी ही क्लिप्स थी वो बहुत ही अमेजिंग है। फर्स्ट वन जिसमें कैटरीना कैफ बहुत ही जबरदस्त एक स्टेटमेंट देती हैं जो काफी धमाकेदार है, कि उनसे पूछा जाता है कि वो कौन से कॉप का रोल करना चाहेंगी तो वो कहती है मैं खड़ी किसके साथ हूँ और अगर मैं इनका नाम नहीं लूं तो टाइग्रेस फिर जिंदा कैसे रहेगी। मतलब सब जानते हैं भाईजान की दहशत, उनका भरम ही कुछ ऐसा है।
और उसके बाद जो सारी वो तेरे नाम वाली जो क्लिप्स थी उसके लिए मैं तो कहती हूँ उसका एक अलग ही फैन बेस है तेरे नाम का, तो मतलब वो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, वो एवरग्रीन है भाई का, वो स्टाइल उनका, वो सिगरेट पीना, वो देखना और जिस तरह से वो यू बाल हटाते हैं, ओहो मतलब अमेजिंग, वो हमेशा वो चलता रहेगा, आज तक लोग उसकी कॉपी करते हैं। और इसके अलावा जिस तरह अपने सिग्नेचर स्टाइल में उन्होंने शर्ट उतारी, फिर सीटी बजाने वाली क्लिप, के सीटियां अगर बजती हैं कितने प्रतिशत भारतीय जो है वो सिनेमा में सीटियां बजाते हैं, तो ये तो उसमें कोई शक नहीं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि मैं एक्सपीरियंस भी किया है दुबई में, इसके अलावा यूके में भी, कि भाई जान की मूवी में वाकई चाहे आप किसी भी कंट्री में हो सीटियां बजती ही है। और इसके साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो में जिस तरह उनसे पूछा गया कि जब भी ऐश्वर्या राय की बात होती है तो वो क्यों इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वो बात, तो उन्होंने बहुत ही उसका जबरदस्त जवाब दिया जो वाकई मेरे तो दिल को जाके छुआ, कि अगर वो अपने आप को जस्टिफाई करने जाएंगे कभी भी, खैर वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करते, लेकिन अगर वो करेंगे भी तो शायद कहीं ना कहीं वो अपने आप को जस्टिफाई करते करते किसी और को नीचा दिखा देंगे जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते। सो ऐसी सोच, ऐसे दिल वाला इंसान किसी को कैसे ना पसंद, ऐसा हो नहीं सकता। सो गाइस, अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, और जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा ताकि कोई भी वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।